हमारे कल है जी नन्हे मुन्ने मेहमान। पर दिशमल इंतजार रहे पिलोस को ऊपर रख के इसके ऊपर वो की घोड़ा घोड़ा कह रहे दिशमल दिशी पोएम सुनाए हमें कोई अच्छी सी। अच्छा वो वाली भी सुनाओ ट्विंकल ट्विंकल अब वो बोली सुनाओ मुझे जोनी जोनी और आपको कौन सी पोएम आती है आगे अच्छा चलो जैसे और मुझे और कुछ सुनाओ आप अच्छा अच्छा हाँ इधर देख सुनाओ ना अच्छा और सुनाओ और 1 2 3 4 5 9 सारे 4 5 और 9 भी घुमा दिया मैं सुनाती हूँ आपको 1 2 3 4 फिर दुआ कर दो उठ के बैठ के हाथ उठा के करो ना कैसे क्या इधर देख करो दोबारा से कितना अभी तो पीछे हो जाओ हाँ करेगी अब एक मिनट पीछे होके करो क्योंकि मैं कुछ ठिकाना जी ये देखे जी जी वो दुश्मन है ना बार बार में पिलोस उठा उठा कर उसे खराब कर दी है अब वो जब पिलोस नीचे रख के इन दोनों को नीचे रख के सही करनी पड़ेगी नहीं बहुत गर्मी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी शशि अच्छा अच्छा करो मैं कर तो बंद क्या हुआ पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा मामा आवाज आगे पूछे क्या हुआ हम अच्छा नो नो तो जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सभी लोग सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम नहीं है थोड़ी सी दोपहर होने वाली है अच्छा जी ट्रेजेडी ये कि मेरा मास्क लॉस हो गया दैट्स व्हाई मुझे ये आलीशान किस्म का नकाब करना पड़ा अच्छा जी तो कैंडमी तो मैं वैसे नकाब करके जाता हूँ लेकिन फ़िलहाल मुझे इस तरह से अब करके दिखाना पड़ रहा है खैर नाश्ता वो मैं कर रही थी तैयार वो क्या कर रही थी वो मैं आप लोगों को साथम साथ बताती रहती हूँ कि दिखाती हूँ कि क्या नाश्ता तैयार करना है और जिशमल बहना भी आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हैं तो वो भी देखें लगी हुई हैं अभी मम्मा के साथ खेल रही हैं भाई के साथ खेल रही हैं तो खैर अब आपको नाश्ता दिखाते हैं यहाँ पर जी तैयार कर रही हूँ सबसे पहले तो नाश्ते में मैं चाय और हमने रात बनाए थे जी राइस चिकन वाले ना तो मैं फ़िलहाल वो गर्म कर रही हूँ जब रात को जो है ना वो आ गई थी हलीम हमारे नेबर से तो मैं उसको ऐसे ही फ्रीज़ करती हूँ अब सारे इसको भी गर्म करूँगी भाई नान लेने क्योंकि मम्मा को मैंने कहा मैंने सारा नान खाना लें जी अब यहाँ पर ढेर सारा बर्तन जमा हुआ हुआ है अब हम इसको जल्दी जल्दी से धोएंगे मेरा पक्का इरादा है कि मैं बर्तन धो के फिर से चाय बनाऊँ एकेडमी जाने से पहले थम्स अप दें मेरी इस बात तो जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम तो जी मैं जा रही थी एकेडमी मेरा एकेडमी का हो चुका है जी टाइम पापा भी आने लगे हैं तो जल्दी जल्दी से एकेडमी चलते हैं इतनी शदीद गर्मी है और मैं बता नहीं सकती पर हमारे खिलाफ ही फोर्थ फ्लोर पर जाके अब वो चढ़ने कैसे है वो भी मैं सोच रही हूँ
इतनी शदीद गर्मी, बैग तो पहनने को दिल ही नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है कोई उड़ के सीधा ना फोर्स तो अपनी क्लास में पहुँच जाऊँ, चलना भी ना पड़े। बाइक पर तो जाना ही है लेकिन अकेडमी अंदर जाके ऊपर चढ़ना वो सारी लंबी स्टोरी है। खैर अब चलते हैं और वापस आके आप लोगों से मिलते हैं, देखते हो घर में बाकी सब तो ब्लॉग बनाते ही रहेंगे। बस आप ही और पापा चाह रहे थी आप ही को अकेडमी छोड़ लें, मेरी साइकिल थी आगे से वाला टायर थोड़ा सा खराब था, पैंचर था पता नहीं क्या हुआ, और मैं भी साथ जा रहा हूँ उनके साथ, मैं अपनी साइकिल लेके कर जा रहा हूँ, पापा आप ही को अकेडमी छोड़ के आ जाएंगे तो जी अब चलते हैं, मैं अपनी साइकिल निकालूँगी। बस हमारे कल है जी नन्हे मुन्ने मेहमान, ये नहीं है ये तो हमारी शीशी है, हमारे कल आया जी नन्हे मुन्ने मेहमान जिसका हमें बहुत इंतज़ार था। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ लीजिएगा और हम आपको दिखाते हैं कि नन्हे मुन्ने मेहमान है कौन। ये है जी नन्हे मुन्ने मेहमान। अच्छा चलो बना लो। ये देखें ये टोटल चार है, तीन वाइट है एक ब्राउन है, ये वो पिल्ली है जिसको ऊपर दूध डालते थे, ये उसके बच्चे हैं। देखिए कितने छोटे हैं इनको तो अभी पता भी नहीं चल रहा, एक गुट के है देखें चुके हैं। ये लो जी म्याओ 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 देखिए उतले हैं। गई हूँ देखिए जी आ गई हूँ मैं अकेडमी से, और आलू कोफ्तों का मसाला तैयार हो रहा है, मैंने तो पहले को नहीं बनाया खाना, मेरी बहुत तबीयत खराब थी गर्मी की वजह से। चले जी आलू धो कर रखे हैं, अब मैं वो लोगों ना इधर ही एंड करती हूँ ठीक है। होप सो लोग अच्छा लगा होगा आपको सारा जो मैंने भी शुरू में बनाया और घर वालों ने भी बनाया, तो इजाज़त दे मामा जी, अल्लाह हाफिज़ करें, अल्लाह हाफिज़।